ओहो मुर्गे के दुकान किराने की पूरी खत्म हो गई। अच्छा ठिलिया ना हो एक ओ चुकी लो बेच ठिले बचे ने हैं बेच कौन रे ना ये आग लगने का मेरे हिसाब से तो बिजली का ये सर्किट जो है ये शार्ट हुआ है, क्योंकि हमारी मेरे जो काम करने वाले वर्कर थे, हम पार जो मेरा स्टोर है बेंच में उसमें काम कर रहे थे, अभी वो ठंडे वाली गाड़ियों को उतार रहे थे, तो तब तक यहाँ से फ़ोन चला गया कि भाई आपकी दुकान को आग लगी है। तो हम जो ही पहुँचे तो देखा कि सब कुछ जल चुका था 10 मिनट में,
लेकिन मैं खासकर यहाँ पर जो फायर सर्विस है इनका नहायत ही दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इनको फ़ोन किया और वो फौरी तौर यहाँ पहुँच गए और उन्होंने आग पे काबू पा लिया। अगर ये फायर ब्रिगेड वाले इस आग के ऊपर काबू ना पाते तो मेरे हिसाब से ये किला मार्केट में तकरीबन 50 दुकानें जो हैं ये जलकर खाक हो जाती। तो इसमें आपको पता है कि आपने जो देखा है अंदर की हालत देखी है, ये तकरीबन 25 फुट दुकान की लंबाई है। तो इसमें आग पे काबू पाना ज़रा बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अपने यहाँ के ये पता नहीं कि इंचार्ज हैं मकबूल साहब, मकबूल हुसैन साहब और उनकी टीम का नहायत ही दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस आग पे फौरी तौर काबू पा लिया और यहाँ जो है बाकी नुकसानों से बच गए। तो मेरी तो दुकान पूरी जल के खाक हो गई, क्योंकि इसमें पता ही है ये होल सेल की किराने की दुकान होल सेल की थी। तो इस होल सेल में ये माल कितना था, नेवला आज की शुद्ध प्लस वगैरह, तो ये जिसका हम टैक्स भर रहे हैं ये तो लाखों रुपए का, इसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये दुकान 25 फुट पूरी माल से भरी हुई थी। तो अब आगे जैसे जो प्रोसीजर हुआ वो आपको मालूम है कि क्या होगा क्या नहीं है। तो अब ज़्यादा क्या कहूँ, दुकान तो जल चुकी है, अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्या कहूँ। सर ये जो आग लगी है इस मार्केट में, तो शायद अमीन साहब का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। तो इस साथ में होटल भी था और फायर ब्रिगेड अपने टाइम पे नहीं पहुंचा, काबू नहीं पाता इस आग पे, तो ये पूरी मार्केट नहीं जल जाना था, क्योंकि साथ में होटल थे, ये मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक के पीछे अपनी किराने की शॉप थी, तो इस सब इलेक्ट्रिशियन का काम सारा था सामान, तो इससे पूरी मार्केट जल जानी थी। तो फाइबर ब्रिगेड का हम थैंक्स कहना चाहते हैं जो टाइम पे पहुँचे और इस मार्केट को बचा लिया। तो यहाँ पे होटल पे लड़के भी रहते हैं, वो सोए थे, उनमें से एक बाहर निकला, मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था, उसने देखा कि दुकान के अंदर से कुछ धुआं सा निकल रहा है, तो उसने जाके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जैसे किया रब्ता किया, तो वो भी टाइम पर पहुँच गए। तो एक दुकान अमीन साहब की जो तीन दुकानें थी वो जली, बाकी बच गई। तो फायर ब्रिगेड का हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि टाइम पर पहुँचे, उन्होंने अपना अच्छा काम किया।